अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद उस्मान बशीर और आप देख रहे हैं hotu.com.pk का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पबजी एमुलेटर या पबजी गेम लूप का जो है लैग फिक्स करना बताऊंगा। जी हाँ, अगर आपके पास 4GB रैम है और लो ग्राफिक्स कार्ड लगा हुआ है पीसी में तो आपकी गेम लैग करेगी। आज की इस वीडियो में आपको वो लैग फिक्स करना बताऊँगा कि आप उस लैग को कैसे फिक्स कर सकते हैं और अपनी गेम को स्मूथली कैसे चला सकते हैं। इस वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करें, इसके नीचे कमेंट्स दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पबजी मोबाइल गेम लूप का लैग फिक्स करने के लिए मैं आपको 4 स्टेप बताऊँगा। आपने 4 स्टेप अप्लाई करने हैं तो आपका ये प्रॉब्लम इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 1 में आपने अपने गेम लूप को ओपन करना और इसकी सेटिंग में जाना है। यहाँ पे हम गेम लूप की सेटिंग को चेंज करेंगे जिससे हमारा लैग फिक्स होगा। यहाँ पे हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके बेसिक में जाके ये आ रहा है रन एज स्टार्टअप। अगर इसको चेक करेंगे तो ये स्टार्टअप जब हमारा पीसी स्टार्ट होता है तो उसके साथ ही ये गेम लूप चलना शुरू हो जाता है। इसको चेक करना है, अनचेक करना है, करते इसमें कोई ख़ास चेंजिंग आपने करनी नहीं है। उसके बाद आपने आना इंजन में। इंजन में ये देखें मेरे पास आ रहा है स्मार्ट बूट DirectX OpenGL। अगर आपके पास 4GB या 8GB रैम लगी है या लो प्रोफाइल ग्राफिक कार्ड लगा है तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो। तो बेहतर है अगर आपके पास 8GB रैम और कोई 2GB या 1GB ग्राफिक कार्ड लगा तो आप DirectX को कर लें। अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है जैसे 4GB 8GB ग्राफिक कार्ड तो आप रिकमेंड मैं यही करूँगा कि आप OpenGL को सिलेक्ट करें, ठीक है। उसके बाद ये सेटिंग एज इट इज़ ही रहने देनी है आपने। इसको आपने एंटी एलियासिंग को आपने क्लोज ही रहने देना है। मेमोरी अगर आपके पास जो है रैम लगी हुई है 8GB तो आप यहाँ पे 4GB रैम को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 4GB रैम हो तो यहाँ पे 2GB रैम को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। मेरे पास 8GB रैम है तो मैं यहाँ पे 4GB रैम को सिलेक्ट करूँगा। प्रोसेसर अगर आपके पास जो है 2 कोर या 4 कोर वाला है तो आप उसी हिसाब से यहाँ से प्रोसेसर जो है सिलेक्ट करोगे। मेरे पास 4 कोर है तो यहाँ मैं 4 कोर को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं रेजोल्यूशन जो है अपनी LCD जो मैं यूज़ कर रहा हूँ या मेरे ग्राफिक कार्ड के हिसाब से जो रिकमेंडेड है मैं उसको यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। TP को 160 पे रहने देना मैंने, ठीक है। उसके बाद ये चेंजिंग करने के बाद हम गेम में जाएंगे। गेम की रेजोल्यूशन अगर हमारे लो प्रोफाइल PC है जिसमें 4GB रैम या 8GB रैम और लो प्रोफाइल ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है तो हम इसको 720p पे ही रहने देंगे। और ये डिस्प्ले क्वालिटी ऑटो आ रही है तो यहाँ पे हम इसको स्मूथ पे करेंगे, ठीक है जी। स्मूथ पे करने के बाद हम इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम अपना एमुलेटर एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे ताकि ये सारी सेटिंग्स जो हैं सेव हो जाएं। इसको क्लोज़ किया और यहाँ से मैं इसको दोबारा जो है रन कर दूँगा। इसके बाद स्टेप 2 में हम जाएंगे अपनी गेम में। यहाँ पे हम गेम की सेटिंग करेंगे, स्केप प्रेस करके गेम की सेटिंग में यहाँ पे ग्राफिक्स में जाएंगे। ग्राफिक्स में जाने के बाद इसको हम करेंगे स्मूथ और यहाँ पे हम जो है ग्राफिक्स स्मूथ हो गए और हमारा फ्रेम रेट जो है हम हाई पे करते हैं। अगर आपको फ्रेम रेट जो है लो हो रहे हैं, आपके FPS रिड्यूस हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, लैग ज़्यादा हो रहा है तो आप इसको मीडियम पे भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले हाई पे चेक कर लीजिएगा इसको, उसके बाद यहाँ पे आ जाएं। एंटी एलियासिंग जो है आपने डिसेबल रखनी है, ठीक है। उसके बाद ये जो है आपकी बाकी सेटिंग ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स को भी आपने डिसेबल रखना है, बाकी जो है आप सेटिंग एज इट इज़ ही रहने दें। उसके बाद आप इसको ओके करें, ये आपके जो है ग्राफिक्स अप्लाई हो गए। इसके बाद आप गेम से एग्ज़िट करें। उसके बाद आप गेम को एग्ज़िट करें, एग्ज़िट करने के बाद F9 प्रेस करें तो आपके सामने सेटिंग आ जाएगी। सेटिंग को ओपन करें, यहाँ पे एंड पे अबाउट में जाएं। अबाउट के बिल्कुल एंड पे जाएंगे तो बिल्ड नंबर शो हो रहा है, इसको आप जो है ना 5 टाइम प्रेस करें बटन को। ये आपके सामने डेवलपर मोड एक आ जाएगा। बैक जाएं तो ये यहाँ पे डेवलपर ऑप्शन आपके सामने इनेबल हो गया। तो इसमें आपने करना क्या है जी, आपने GPU रेंडरिंग ढूंढनी है। इसमें पहले यहाँ पे आप जो है GPU रेंडरिंग ऑन करेंगे, ये देखें फोर्स GPU रेंडरिंग, इसको हम जो है ऑन कर देते हैं। उसके बाद आ गया नेक्स्ट फोर्स 4X को जो है हम इसको भी ऑन कर देंगे। करने के बाद
उसके बाद हम स्टेप थ्री की तरफ चलते हैं। स्टेप थ्री में हम जो है अपने कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे अनइंस्टॉल प्रोग्राम में जाएंगे और यहाँ पे जो भी गैर ज़रूरी जो प्रोग्राम हमने इसमें इंस्टॉल किए हैं, ऐसी एप्लीकेशन जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से हम उनको अनइंस्टॉल कर देंगे। इससे ये होता है कि हमारे सिस्टम की वो जो है मेमोरी को यूज़ कर रही होती हैं तो उनकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती, तो बेहतर है कि हम उनको अपने सिस्टम से अनइंस्टॉल कर दें, तो इससे हमारे सिस्टम की स्पीड भी बेहतर रहेगी और हमारी गेम भी स्मूथ चलेगी। उसके बाद हम लास्ट स्टेप फोर की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने अपने जो है पीसी की वर्चुअल रैम को इंक्रीज़ करना है। इसकी अलग से भी मैंने एक वीडियो बना के रखी हुई है, इस वीडियो में भी आपको आइडिया देता हूँ कि हमने अपने पीसी की वर्चुअल रैम कैसे इंक्रीज़ करनी है। तो उसके लिए हमें करना क्या है जी, हम पीसी की प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, यहाँ पर एडवांस सिस्टम सेटिंग, यहाँ पर एडवांस आ रहा है जी, एडवांस के बाद ये सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर फिर एडवांस ये आ रहा है जी, हमारे पास चेंज मेमोरी का ऑप्शन है, यहाँ पे हम चेंज पे क्लिक करेंगे। हमने उस ड्राइव की जो है वो बढ़ानी है वर्चुअल मेमोरी, जिसमें हमारी गेम भी इंस्टॉल है और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो बेहतर है कि हम जो है सी में अगर गेम पढ़िए तो उसकी जो है वर्चुअल रैम को बढ़ाएं, तो इससे हमारा ज़्यादा फ़ायदा होगा। यहाँ पे अगर हमारे पास हार्ड ड्राइव ज़्यादा बड़ी लगी हुई है, हमारे पास यहाँ पे स्पेस अवेलेबल ज़्यादा आ रही है, तो हम क्या करें, यहाँ पे इसको हम 8 से 10 GB जो है इसकी स्पेस जो है रैम वो बढ़ा दें। यहाँ पे मैं इसको 8000 कर देता हूँ, ठीक है। मैक्स मेमोरी में मैं कर देता हूँ जिसको 20000 करीब, ये बन जाएगा हमारा 8 GB से 20 GB तक। इसको मैं सेट करता हूँ ओके। ओके के बाद ये बता रहा है कि हम अपने सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट करेंगे, रीस्टार्ट करने के बाद ये जो है वर्चुअल रैम हमारे सिस्टम में अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद हम अपनी जो है गेम को रन करेंगे, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे हमारा जो है वो सिस्टम स्मूथली जो रन करेगी गेम हमारी। ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद हमारी गेम इंशाल्लाह उसमें लैग नहीं आएगा और वो बिल्कुल स्मूथ रन करेगी और वो जो हमारा लैग का इशू आ रहा था हमें वो फिक्स हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इसके नीचे कमेंट दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ถ้าลุงได้มาช่วยชุบกันหน่อยไปยืนสนัยบอกด้วยครับผมมีคุณแม่ครับสนัยจะได้สนีสนีสนีได้ล่ะลุงสนีสนีโอ้โห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 โมีโดแฟตแฟตตายอยู่บ้านโอ้ยลงเลยลงบนบันไดมันเลยบ้านผมอ่ะดังเกินเบื่อเลยลุงเป็นมนุษย์มากป้ามากแปลกหน้าไปเลยต้องเป็นมนุษย์มากป้าน้องกล้องเป็นมนุษย์หมามุ้ยหมานุ่นนะหมามุ้ยเอาแหละไม่รู้จักหมามุ้ยเป็นลุงได้มาลุ้นได้มาหามุ้ยให้ถึงลุ้นเลยนี่อ๋อช่วงนี้ลุงเป็นผันเนี้ยแต่ยินอะไรกับผมเพิ่งเป็นลุ้นยุดหนองแน่นอุ้ยดีเนี่ยดบเลยทับใส่ห่วง
นี่เราอยู่ตรงนี้ดูอุ้ยพลาดละข้อข้อข้อกล้อข้อข้อมั่งอ่ะลุง